मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। तिल के लड्डू सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं और फायदेमंद भी बहुत होते हैं। तिल जो है हमारे शरीर को गर्मी देते हैं और सर्दियों में इसका सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत है। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए सफेद तिल, गुड़ और देसी घी। आइए शुरू करते हैं हम अपने तिल के लड्डू बनाने। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने पैन को गैस पे रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने तिल। तिल जो है हमने 130 ग्राम लिए हैं। इसको हम डाल देते हैं अपने पैन में और इसको बिल्कुल हल्की गैस पे या लो मीडियम गैस पे हमने जो है इसको रोस्ट करना है। जब तक ये थोड़ा सा हल्का कलर ना चेंज कर ले, बिल्कुल हल्का सा हमने कलर चेंज करना है। लगातार इसको हिलाते रहना है। ध्यान रहे कि ये जलने नहीं चाहिए क्योंकि जलने पे ये जो है कड़वे हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। फिर जितना हमने तिल लिए हैं उतनी हम जो है गुड़ लेंगे। 130 ग्राम हमने तिल लिए तो 130 ग्राम ही हम गुड़ लेंगे। अब देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है और तिल भी जो है हमारे फूल गए हैं। इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। तिल को हमने निकाल लिया है और इसमें अब हम डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी। पानी डाल देंगे तकरीबन हम 2 टेबल स्पून और इसमें हम डाल देते हैं अपना गुड़। हल्के फ्लेम में हमने जो है गुड़ को मेल्ट होने देना है। गुड़ हमारा काफी मेल्ट हो गया है तो थोड़ा सा बड़े पीसेस जाते हैं, उसको हम इस तरह से दबाकर मेल्ट कर सकते हैं। ये मेल्ट हो गया है। इसमें अब हम डाल लेंगे थोड़ा सा अपना घी, देसी घी डालेंगे इसमें तकरीबन 1/3 स्पून और उसको हिलाएंगे। हल्की गैस पे हम इसको पकाते रहेंगे। हम एक कटोरी लेंगे और उसमें पानी जो है इस तरह से डालकर तैयार रखेंगे इसको, क्योंकि हमने घी जो है गुड़ है उसको चेक करेंगे कि हमारा गुड़ जो है तैयार हुआ है कि नहीं। क्योंकि लड्डू जो है हमारे को सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं, बहुत हार्ड नहीं। तो हमने देखना है कि हमारा गुड़ पानी में जाकर जो है अगर ये सॉफ्ट हो तो इसका मतलब हमारे लड्डू जो है सॉफ्ट बनेंगे। तो ये थोड़ा सा डालकर देख लेते हैं। इसमें हम उसको थोड़ा सा डालेंगे इस तरह से और इसको निकालेंगे बाहर। ये आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट है, ये कितना सॉफ्ट है, इसका मतलब ये रेडी है। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, ये रेडी है। गैस को बंद कर दिया जो हमारे तेल है। अब सारे तेल हम अपने डाल देंगे, गैस को हमने बंद कर दिया और इसको अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हमने फटाफट जो है इसको हिला कर मिक्स कर इसके लड्डू जो है बनाने शुरू करते हैं। बहुत गर्म है ये, बड़े ध्यान से जो है इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू का बैटर जो है काफी गर्म है, हम इसको हाथ नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा सा हम पानी या घी को लिफाफे में लगाते हैं किसी भी प्लास्टिक में, स्पून की हेल्प के साथ या कश की हेल्प के साथ इसमें जो है डाल देते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से बंद करते हुए इस तरह से मोड़ते हुए प्रेस करते हुए लड्डू बना लेंगे। नहीं तो इसको हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है, गुड़ जो है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और लड्डू बिल्कुल बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरीका है, तरीके से हम लड्डू को बना सकते हैं। ये लड्डू हमारा बन गया, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये लड्डू को हम जो है प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे लड्डू हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। छोटे बड़े आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको 2 मिनट दबाकर रखेंगे ताकि ये अपनी शेप में थोड़ा आ जाए, फिर इसको खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लड्डू बना है। सारे लड्डू हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया तिल के लड्डू रेडी हुए हैं हमारे बनकर। आप इसे मेरी रेसिपी से जरूर ट्राई करें। आप लोहड़ी पे बनाएं इसे, जब आपका दिल करे सर्दियों में इसको बनाएं और खाएं, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।